अल्लाह कहो या भगवान, सभी ईश्वर के रूप है, लेकिन अक्सर इन मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। कोई खुद को हिंदू तो कोई मुसलमान कहने लगता है। वहीं यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको भी भाईचारे एकता का संकेत मिलेगा। जहां जिस यूपी शहर में अक्सर हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद खड़ा होता है, वहीं से इस मामले को पढ़कर आपको भी सुकून का एहसास होगा। यूपी के कन्नौज में एकता के मिसला की एक अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। यहां शिवरात्रि के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर जाकर शिवरात्रि का पर्व मनाया। मुस्लिम महिलाओं ने इसे भी अपनी परंपरा का हिस्सा बताया। उनका कहना था कि हमारे लिए अल्लाह और भगवान में कोई अंतर नहीं है और हमें सभी धर्मों का सम्मान रूप से सम्मान करना चाहिए। बता दें, कन्नौज के छिबरामू में 600 साल पुराने इस चमन ऋषि आश्रम में भगवान शिव की पूजा करने के लिए हिंदू व मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग हर साल आते हैं। मुस्लिमों के मंदिर आने और शिव जी की आराधना करने का ये सिलसिला कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। यहाँ मुस्लिम महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ आने वाली मुस्लिम महिलाओं ने जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे यहाँ पर काफी पहले से आ रहे हैं। उनके बाप दादा भी यहाँ आते थे। वे इसे अपनी परंपरा का हिस्सा बताती है। मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है और वे सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए।